सावन का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने में घेवर सभी को अच्छे लगते हैं। तो आज हम लोग रबड़ी वाले घेवर बनाएंगे और साथ में चॉकलेट फ्लेवर में भी घेवर बनाकर तैयार करेंगे। इन्हें बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ी सी टिप और ट्रिक की आवश्यकता होती है। तो आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपके घेवर एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएंगे। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले लिया है मैंने एक मिक्सिंग बाउल। अब इस बाउल के अंदर हमें 100 ग्राम देसी घी डाल देना है और उसके बाद में डालेंगे 4 से 5 आइस क्यूब और फिर इसे खूब अच्छे से फेंटना है। हम इसे तब तक फेंटेंगे जब तक ये क्रीम फॉर्म में ना जाए। तो ये देखिए, मैंने इसे लगातार 10 मिनट तक फेंटा है और ये एकदम क्रीम फॉर्म में आ चुका है। अब इसमें से आइस क्यूब बाहर निकाल देंगे और फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध। ये मैंने ठंडा दूध लिया है 200 ग्राम। ये थोड़ा दूध डालेंगे और थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर हम लोग मैदा। तो मैंने 500 ग्राम मैदा लिया है। ये दूध और मैदा डाल के हमें इसे लगातार फेंटना है। तो थोड़ा दूध डालेंगे और थोड़ा मैदा डालेंगे, इस तरह से ये इसमें डालते जाएंगे और इसे मिलाते जाएंगे। जब मैदा और दूध अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर इसमें डालेंगे ठंडा पानी। तो मैंने 1.25 लीटर ठंडा पानी लिया है। पानी हमें एकदम ठंडा लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। और ये थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालेंगे और इसका पतला पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच बेसन। तो बेसन डालने से घेवर के अंदर कलर काफ़ी अच्छा आता है। और फिर इसमें डालेंगे 1 नींबू का रस। नींबू का रस डालने से घेवर के अंदर जाली काफ़ी अच्छी बनती है। अब इन सबको भी हमें खूब अच्छे से मिला देना है। घेवर का पेस्ट बनाते टाइम अगर इसमें लम्स रह जाते हैं तो या तो इसमें आप हल्का सा ब्लेंडर चला सकते हो या फिर इसे किसी छलनी की सहायता से छान लीजिए। इसे ज़्यादा नहीं फेंटेंगे। अगर आप लोग इसे मिक्सी में फेंटेंगे या फिर ज़्यादा ब्लेंडर चलाएंगे तो इसमें से घी अलग निकल सकता है और फिर आपके घेवर अच्छे नहीं बनेंगे। अब इस सारे पेस्ट में से मैं थोड़ा सा पेस्ट अलग बर्तन में निकाल लूँगी क्योंकि हमें इसे ठंडा रखना है। अगर बाहर सारा पेस्ट रखा तो ये गर्म हो जाएगा, बाकी बचा हुआ पेस्ट हम लोग फ्रिज में रख देंगे। तो अब इस पेस्ट से हम लोग घेवर बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने एक बर्तन में घी गर्म होने के लिए रख दिया है। घेवर बनाने के लिए घी तेज गर्म होना चाहिए और बर्तन मोटे पैंदे का होना चाहिए। अब घेवर बनाते टाइम ये ध्यान रखना है कि आपका पेस्ट इतना पतला हो कि बर्तन के पीछे चिपके ना। ये देखिए, इस तरीके से इतना पतला पेस्ट हमें रखना है घेवर बनाने के लिए। अगर पेस्ट गाढ़ा हुआ तो घेवर बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। और घेवर बनाने के लिए आप लोग जो भी बर्तन लो उसके हाफ में घी होना चाहिए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा बैटर डालेंगे। ये देखिए, इस तरीके से एक साथ ये लिक्विड नहीं डालना, बस थोड़ा थोड़ा करके डालना है और थोड़ी थोड़ी देर रुक कर डालना है। और ये देखिए, घेवर बन चुका है। फिलहाल ये ऊपर से थोड़ा कच्चा है तो मैं इसे किनारों से हटा दूँगी और जैसे ही किनारों से हटाऊँगी ये बर्तन में नीचे चला जाएगा। अब ये ऊपर से भी पक जाएगा। तो इसी कारण से अगर आपके बर्तन में घी कम हुआ तो आपका जो घेवर है वो घी में नीचे नहीं जाएगा और ऊपर से फिर कच्चा रह सकता है। तो अब इसे हम लोग चाकू की हेल्प से बाहर निकाल लेंगे। और ये देखिए, काफ़ी सुंदर घेवर बनकर तैयार हुआ है। जाली भी काफ़ी अच्छी बैठी है और कलर भी काफ़ी अच्छा आया है। अब इसे एक जाली पे निकाल दीजिए ताकि इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा घी है वो साइड में निकल जाए। ये फिर से मैंने घी में पेस्ट डालना शुरू कर दिया है और देखिए, जैसे ही थोड़ा सा पेस्ट डालूँगी इसके दाने दाने बनकर अलग हो जाएंगे। और ये चाकू की हेल्प से इसके बीच में हमें स्पेस कर लेना है जहाँ पर हमें ये पेस्ट डालना है। वैसे घेवर बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस कुछ एक छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। जिस बर्तन में घेवर बना रहे हैं वो मोटे पैंदे का होना चाहिए और जो आपका पेस्ट है वो पतला होना चाहिए, साथ में ठंडा होना चाहिए। और घी से बर्तन आधा भरा हुआ हो या फिर आधे से थोड़ा ज़्यादा हो, अगर कम घी हुआ तब भी घेवर अच्छे नहीं बनेंगे। और ये देखिए, मैंने दूसरा घेवर भी बना लिया है और इस बार मैंने पेस्ट थोड़ा इसमें ज़्यादा डाला है बर्तन में, इसलिए मेरा जो घेवर है थोड़ा मोटा बनकर तैयार हुआ है। इसमें भी जाली काफ़ी अच्छी बैठी है। और ये देखिए दोस्तों, एकदम हलवाई के जैसे घेवर बनकर तैयार हुए हैं। इसे भी जाली पर रख देते हैं ताकि इसका भी एक्स्ट्रा घी निकल जाए। अब मैंने कढ़ाई में घी डाल लिया है और इसमें रखूँगी एक मोल्ड। तो ये मोल्ड आप लोगों को मार्केट में किसी भी बर्तनों की शॉप पे मिल जाएगा। तो हम लोग इस मोल्ड में घेवर बनाकर तैयार करेंगे और इसमें भी घी की क्वांटिटी पूरी होनी चाहिए। अब थोड़ा थोड़ा पेस्ट इसमें डालेंगे और घेवर बना लेंगे। अब मोल्ड में घेवर बनाने का फ़ायदा ये होता है कि हम लोग अलग से घी उठाकर इसके ऊपर डाल सकते हैं ताकि ऊपर से भी अच्छे से पक जाए। चलिए अब चाशनी तैयार करते हैं। चाशनी के लिए मैंने 500 ग्राम चीनी ली है और इसमें 200 ग्राम पानी डाल दिया है।
अब इसे अच्छे से मिलाएंगे और इसमें उबाल आने देंगे। उबाल आने के बाद हमें इसकी एक तार की चाशनी बनाकर तैयार करनी है। तो ये देखिए, जैसे इसकी जो लास्ट रोक नीचे गिर रही है और इसके अंदर जो तार बन रही है, इसी तरीके की हमें इसमें चाशनी बनाकर तैयार करनी है। और चाशनी बनाने के बाद में चाशनी को हल्का ठंडा कर लेना है और साथ में चाशनी में डालेंगे एक नींबू का रस, ताकि हमारी चाशनी क्रिस्टलाइज ना हो। चाशनी बन चुकी है, चलिए साथ के साथ रबड़ी भी बना लेते हैं। तो रबड़ी के लिए मैंने 1 लीटर दूध को उबलने के लिए रख दिया था और ये गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें डालेंगे 1 कप मिल्क पाउडर। ये मिल्क पाउडर डालने से हमारी जो रबड़ी है वो जल्दी भी बनेगी और काफ़ी टेस्टी भी बनेगी। रबड़ी भी बन चुकी है, चलिए इसे भी थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। अब घेवर के ऊपर चाशनी डालते हैं। चाशनी डालते टाइम घेवर को जाली पर रख लीजिए, ताकि जो भी एक्स्ट्रा चाशनी है वो नीचे बर्तन पर निकल आए। अब इसके ऊपर डाल देंगे रबड़ी जो हमने बना करके रखी है। ये रबड़ी डालने के बाद में हम इसे डेकोरेट करेंगे। तो ये देखिए, हमारा रबड़ी वाला घेवर तैयार है। चलिए अब कुछ घेवर चॉकलेट से बना लेते हैं। तो ये मैंने चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है। अब रबड़ी के ऊपर ही हम लोग इस तरीके से ये चॉकलेट डाल देंगे। तो ये चॉकलेट के फ्लेवर वाले घेवर भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। एक बार आप लोग इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। घेवर को चॉकलेट से डेकोरेट आप लोग अपने हिसाब से कर लें। तो मैंने चॉकलेट से भी अलग अलग डिज़ाइन के घेवर बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसमें ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। आप हमेशा स्वस्थ रहें और मस्त रहें।